नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाकोरिया। कैसे दोस्तों आप सभी। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो आ रही है सारस्वत व्लॉग के बारे में। उन्होंने आज एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने बताया दोस्तों कि कैसे जो उनकी वीडियो का रिप्लाई करते हैं वीडियो बनाकर, वो पर्सनल हो रहे हैं उनसे, मतलब पर्सनल उनसे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब वो किस वे में कह रहे थे आप उनकी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और बोली दोस्तों, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये पॉइंट था कि उन्होंने जस्सी भाई से, जस्सी संधू भाई से बात की है और उसमें उन्होंने जो बात की है वो की है डिस्क्लेमर के रिगार्डिंग। दोस्तों सारस्वत भाई शुरू से ही डिस्क्लेमर के बारे में बोल रहे हैं, डिस्क्लेमर लगाइए, डिस्क्लेमर लगाइए। वही चीज़ उन्होंने इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन की, वही चीज़ उन्होंने इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन की और जस्सी भाई से भी उनकी बात हुई, उन्होंने ये कबूला। और पूरी वीडियो क्या है, मतलब उसकी कुछ मेन क्लिप्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए जरूर। लगे हुए हैं थोड़ा सा मेरे को भी वो करने में और वो दिखा रहे हैं कमेंट वगैरह जो पुराने पड़े हुए थे उनको निकाल निकाल के ला रहे हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जो वीडियो डाल रहे हैं अपने हॉन्टेड वाली, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना मत रख रहे हैं, मैं अपना मत रख रहा हूँ, ये अपना मत रख रहा है। सबको अधिकार है भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि सब कोई भी अपना मत रख सकता है, लेकिन कोई किसी पे पर्सनली न जाए। मैं फिर ये उनको बार बार कहूँगा, पर्सनली जाओगे तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं रहेगा। वीडियो पे कोई भी कमेंट करिए, कुछ भी करिए, वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं और वो मेरा अधिकार है जो मैं यूज कर रहा हूँ। लोगों को क्यों चिड़न हो रही है, मैं वीडियो पे बात कर रहा हूँ, वो हमेशा पर्सनली लेके आ जाते हैं भाई। लोग सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं भाई, जिनको सरप्राइज देना वो दीजिए, मैं तो सरप्राइजों का वेट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ मुद्दा उठाया था डिस्क्लेमर का, आप डिस्क्लेमर लगाइए, आराम से वीडियो बनाइए भाई, मुझे किसी से पर्सनली क्या लेना देना। जब जस्सी पाजी से बात हुई थी तो मैंने इसी डिस्क्लेमर के बारे में बात हुई थी और जस्सी पाजी ने बोला भी था उस टाइम पे कि मैं इसके बारे में बात करूंगा सभी लोगों से डिस्क्लेमर के बारे में। तो जस्सी पाजी जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बोलें, आपकी बात मानेंगे ये और डिस्क्लेमर लगाने के लिए बोले। और ये भी नहीं, ये कहूँगा अगर पर्सनली इनसे बोल दो को ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आज तक किसी वीडियो में पर्सनली नहीं जाता, ज़्यादा बात करता हूँ मैं वीडियो के ऊपर या वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है उसके ऊपर। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है डॉक्टर संगीता रेड्डी की तरफ से। वो अपोलो से हैं दोस्तों और उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि जो हरियाणा पुलिस है वो वहाँ से ऑक्सीजन के जो टैंकर है उनको दिल्ली में नहीं आने दे रही है। ये उनका ट्वीट है दोस्तों। अगली जो खबर आ रही है फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा की तरफ से आ रही है। उन्होंने अपने इंस्टा पर कुछ ये स्टोरीज डाली है और उन्होंने दिखाया कि जुडिशरी जो इंडिया की है वो किस तरीके से गवर्नमेंट को लताड़ रही है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन की कमी के लिए, किस तरीके से ये बता रही है, कितनी बुरी कंडीशंस हो गई है। उन्होंने तीन चार पोस्ट डाले हुए हैं, मैं वो वन बाय वन आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और चाहो तो आप गौरव तनेजा के जो इंस्टा की स्टोरी है, इंस्टा अकाउंट पे जाके उन पे चेक भी कर सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पे रखे हुए हैं। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है रॉयल सोल्जर भाई की तरफ से। कल उन्होंने अपने जो यूट्यूब का अकाउंट है, यूट्यूब है, वहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर ये कंफर्म कर दिया कि उनको एक्चुअल में कोविड हो गया है। दोस्तों उससे पहले उन्होंने कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने दिखाया था वीडियो में, लेकिन लाइव आकर दिखाया था। लेकिन दोस्तों कल बाद में उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला और उसमें ये दिखाया कि उनको कोविड हो चुका है, कन्फर्म किया कि कोविड हो चुका है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे रॉयल सोल्जर भाई हैं वो जल्द से जल्द रिकवर करें और साथ के साथ जो ये कोरोना देश में फैला हुआ है जल्द से जल्द कम हो, ताकि हमारे देशवासियों को थोड़ी सी राहत मिले इससे। दोस्तों कोरोना में इस वक्त जो देश के हालात हैं, आप सभी और हम सब इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। ऐसे में जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो भी बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपने इंस्टा पर वो स्टोरीज डाल रहे हैं, एक तरीके से मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की या दवाइयों की, तो वो अपनी स्टोरी पर डाल रहे हैं ताकि वो चीज़ें और लोगों तक पहुँच सके और वो जिनके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं वो उन तक कांटेक्ट करके उनको वो चीज़ें दे सकें। तो ये काफ़ी अच्छी और बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। ऐसे में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं वो आ रहे हैं आशीष चंचलानी। वो अपने चाहे उनका यूट्यूब है, वो यूट्यूब के ऊपर वो कम्युनिटी पोस्ट डालकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या फिर इंस्टा हो, इंस्टा पर भी उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर रेगुलर अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं सबकी हेल्प करने के लिए, और वो खुद भी बढ़ चढ़ कर हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।